जब हम चंडीगढ़ में हैं तो चंडीगढ़ अपने आप में ही देखने की जगह है। नमस्कार, वेलकम टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आज हम हमारे फूड टूर की शुरुआत करने वाले हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस से। ये एक बहुत पुराना आइकॉनिक लैंडमार्क है जो चंडीगढ़ की बिगिनिंग से यहाँ पे है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने इंडियन कॉफ़ी हाउस से चंडीगढ़ फूड टूर। चंडीगढ़ जो है मिक्स ऑफ पंजाब का कल्चर, थोड़ा सा हरियाणा का कल्चर, थोड़ा सा हिमाचल का कल्चर, एंड इट इज अ मिक्स ऑफ ऑल दीज स्टेट्स टुगेदर। तो जब हम इसके खाने की बात करते हैं, थोड़ा पंजाबी कल्चर से रिलेटेड आइटम्स मिलेंगे, हरियाणवी मिलेगा, और ये अपने आप में मॉडर्न और एक अर्बन सिटी भी है। तो उस तरह से आपको बहुत ही फ्यूजन फूड भी मिलेगा। तो ये अपने आप में इसकी खास बात है। और कॉफ़ी हाउस की जैसे तो डोसा काफ़ी फेमस है, मटन डोसा यहाँ का काफ़ी फेमस है, बट आज अभी हमने ऑर्डर किया है वेज कटलेट। ये यहाँ की एक एक यूनिक स्पेशलिटी है। और ये जो कॉफ़ी हाउस है, अगर आप अपने आसपास नज़र घुमाएंगे तो जितने सारे आपके सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, रिटायर्ड पीपल हैं, इट इज़ स्टिल देयर फेवरेट प्लेस टू हैंग आउट। तो अभी भी वीकेंड्स में या वीकडेज में चाय कॉफ़ी के लिए हमेशा आपको यहीं मिलेंगे। आलू है, लौकी है, थोड़ी सी गोभी है, टमाटर है, प्याज है। अरे प्याज महंगे, इस वजह से थोड़े कम डाले हैं। मटर भी है। हाँ, मटर भी है। तो इट इज बिल्कुल जैसे घर में बनाते हैं। और ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई कर दिया। ब्रेड क्रम्स लगा के इसमें फ्राई किया है। जब हम किसी शहर में जाते हैं, हम घूमने की बात करें, तो हम फोर्ट्स देखते हैं, हम पैलेसेस देखते हैं, हम कोई मंदिर होता है फेमस उस जगह को जाते हैं। बट जब हम चंडीगढ़ में हैं तो चंडीगढ़ अपने आप में ही देखने की जगह है। आप इसकी खूबसूरत रोड्स को देखें, आप घरों को देखें, आप म्यूजियम्स को देखें, और इस नीलम थिएटर को देखें जिसको आदित्य प्रकाश ने ले कोर्बुज़िएर और पियरे जनरे के साथ मिलकर डिज़ाइन किया था। इसका आर्किटेक्ट अपने आप में एक बहुत ख़ास बात है। और ये सेक्टर 17 है जो कि चंडीगढ़ का एक हार्ट है, जिसे सिटी सेंटर के नाम से कहा जाता है। और कॉमनली इसे हम सेक्टर 17 कहते हैं। 17 नहीं, 17 इज नॉट अलाउड, ओनली 17। सतारा। लकी की आज संडे, अदरवाइज यहाँ इतनी पार्किंग की दिक्कत रहती है। यहाँ की पॉपुलेशन है अराउंड 12-12.5 लाख। अच्छा। और इतनी ही यहाँ पे कार्स हैं। तो हम नेक्स्ट रेस्टोरेंट गजल आ गए। ये एक काफी पुराना रेस्टोरेंट है, 81 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये अपनी ओल्ड एज डेलिकेसीज के लिए फेमस है। बट आज हम यहाँ ओल्ड एज कोई डेलिकेसी नहीं ट्राई करेंगे, आज हम यहाँ का ट्राई करेंगे सिजलर, न्यू एज सिजलर।
ये बिना खाए मैं कह सकता हूँ मेरी फेवरेट जगह हो सकती है चंडीगढ़ की, क्योंकि मैं गज़ल बहुत सुनता हूँ। घुसते ही जगजीत सिंह की गज़ल चल रही है। मैं भी बहुत सुनती हूँ। अच्छा, क्या बात। जगजीत सिंह की एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री आई है अमेज़न प्राइम पे, कागज़ की कश्ती। अच्छा। उन्होंने उनका पूरी जर्नी ट्रेस की है। वो गंगानगर के रहने वाले थे। हाँ, उनका हाँ, बर्थ प्लेस वहाँ हुआ जी। वो सरदार थे। हाँ, हाँ, उसके बाद वो मुंबई गए, जाके उन्होंने अपने उसके बाद फिर उन्होंने गाना शुरू किया। वो कैसे प्राइवेट पार्टीज़ वगैरह लोकल वहाँ गाते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो इतने बड़े स्टार बने और साथ में आम आदमी तक उन्होंने पहुँचाया गज़ल को, आसान भाषा में करके, बोल चाल की भाषा में गज़ल को और सिंप्लीफाई करके लोगों तक पहुँचाया। जगजीत सिंह अपने आप में एक ऐसा नाम है, मुझे याद है मेरे पापा को भी गज़ल्स बहुत पसंद हुआ करती थी, मुझे बहुत गज़ल्स पसंद हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी डॉटर जो 6 साल की है उसको भी कहीं ना कहीं गज़ल्स बहुत टच करती होंगी या उसको भी पसंद होगी। तो ये एक यू नो एक इम्पैक्ट है गज़ल्स का, जनरेशन टू जनरेशन कि आज वो नहीं है इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, बट फिर भी हम जब गज़ल का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जगजीत सिंह आते हैं और वही अपने आप में एक जर्नी है। बिल्कुल। चलिए, जनी नाम से भी उनका एक एल्बम था शायद। गर्मी ये सिजलर है जो सिजल कर रहा है, ये सिजल कर रहा है और ऊपर एग तो दिख रहा है इसमें। एग है, वेजिटेबल्स हैं, चिकन है, मटन है, सॉस है जो हमारा एक टिपिकल सिजलर का सॉस होता है। हालांकि ये यहाँ के माहौल से मैच नहीं कर रहा, लेकिन टेस्ट काफ़ी उम्दा है। नहीं, काफ़ी अच्छा था मेरे ख्याल से। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि काफ़ी फिलिंग है। हाँ। और बहुत बड़ी एक पैटी थी जिसमें चिकन मटन दोनों मिक्स्ड हैं, काफ़ी क्रंची था। सेम सॉस में ही मटन के पीसेस भी हैं, चिकन के पीसेस भी हैं, ऊपर से एक फ्राइड एग, हाफ फ्राइड एग, साथ में वेजिटेबल्स, सब कुछ फ्राइज। ये पूरी होलसम मीट है। बिल्कुल। एक होलसम डिश है और इस एक डिश को आप 3-4 लोग बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं गज़ल के साथ और साथ में। यस। सेक्टर 17 से होते हुए हम सेक्टर 15 आ चुके हैं। सेक्टर 17 की मार्केट से सेक्टर 15 मार्केट। अच्छा, 15। पहले तो एक ये मिसकंसेप्शन होता है कि भटूरा इज़ वन ऑफ द अनहेल्दीएस्ट मीट, जो कि नो डाउट होती है, ऑयल में बना होता है, बट फिर भी आपने देखा होगा जो मार्केट में भटूरे खाते हैं, इट इज़ जस्ट मैदा, उसको रोल किया जाता है और उसको फ्राई कर दिया जाता है। बट जो ओरिजिनली भटूरा बनाया जाता है वो सिर्फ मैदे का नहीं होता, उसमें मैदा भी होता है, आटा भी होता है, सूजी भी होती है, उसमें दही डाल के उसको फर्मेंट किया जाता है। और जब इस तरीके से हम भटूरा बनाते हैं तो भटूरे में एक जाली आनी चाहिए। अगर आप देख सकते हैं तो यू नो दिस भटूरा हैज जाली।
तो ये एक भटूरे की खास बात होती है कि भटूरा शुड ऑलवेज हैव, इसके अंदर जाली होनी चाहिए, इसकी वजह से ये तेल अंदर तक नहीं अब्सॉर्ब करता है, ये सिर्फ भटूरा फूल जाता है और ऑयल जो है केवल बाहर बाहर रहता है। और लाइटर साइड उसके साथ में अपने चने हैं, मिर्च का अचार है और आलू है, मसाले में फ्राइड। हाँ, मसाले में फ्राइड। तो ये पनीर वाले भटूरे हमने लिए, इसके अंदर में जो स्टफिंग है वो पनीर की है, पनीर है, अजवाइन है। तो ये भटूरा भी दो बार फ्राई किया गया, एक बार फ्राई करते हैं उसके बाद दोबारा फिर फ्राई किया जाता है, उससे भी बहुत लोग कहते हैं कि जो तेल कम एब्जॉर्ब हाँ। होता है दो बार फ्राई करने से। वाह भैया, इसमें अनारदाना का टेस्ट प्रॉपर आ रहा है। ये भी पिंडी चने रावलपिंडी से जो डेवलप होके आए हैं, जो चंडीगढ़ है वो वो पार्टीशन के बाद बना है। बहुत से पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, रिफ्यूजीज हैं, तो इन ये सब लोग अपने साथ अपना एक फ्लेवर लेके आए हैं जो हम अभी कह सकते हैं सो कॉल्ड पाकिस्तान के जो रीजन है। तो ये चना भी रावलपिंडी चना है, जिसे हम पिंडी छोले जिसे कहते हैं। तो एक ये पंजाब रीजन की, यहाँ पे चना भटूरा लिखा हुआ था मेन्यू में, बहुत जगह छोले भटूरे बोलते हैं, बहुत जगह पिंडी चने और भटूरे बोलते हैं, उसका नाम भी जगह जगह चेंज होता आता है। और जितनी पुरानी दुकानें हैं अगर आप जाएंगे उन सबकी दुकानों में लिखा हुआ रावल पिंडी के फेमस छोले भटूरे या पिंडी के छोले भटूरे। ये भी इनफैक्ट पुरानी, आप दिल्ली में जाएँ अगर कमलागर में अभी भी दो दुकानें हैं, चाचा के छोले भटूरे और मलकानगंज में एक दुकान है उसका नाम है रावल पिंडी के छोले भटूरे। साथ में जो चने का कलर है वो भी बहुत कुछ दिखाता है कि चने में बहुत जगह पे वो काले चने मिलेंगे। इसमें भी अनुभव ये बात है कि जो पहले के हमारे जो पिंडी चने बनते थे वो लोहे की कढ़ाई में बनते थे, इसलिए वो काले होते थे, वो काले होते थे और उनका भी पूरा एक प्रोसेस होता था। कभी हम रेसिपी डिस्कस करेंगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। इनफैक्ट छोले में भी उसे चाय पत्ती डाल देते हैं, थोड़े और चीजें डाल के काला करते हैं। जो ओरिजिनली ब्लैकनेस आती है पिंडी छोले में वो लोहे की कढ़ाई में। इनफैक्ट आजकल काला नहीं वो नहीं डलता, आजकल वो डालते हैं सूखे हुए आमले और अनारदाना। मुझे लगता है कि छोले में सबसे दो मेन की इंग्रेडिएंट्स अगर हैं तो वो आंवला और अनारदाना है। ये फर्स्ट बाइट खाते ही आपको अनारदाना का फ्लेवर आया, वो दाने जो होते हैं पीसे हुए उसका टेस्ट आया, मतलब मेरे को लगा कि नहीं यार ऑथेंटिक स्टाइल में बनाया गया है इसको। वो कलर से देख के लग रहा है कि वैसे पकाया गया है। और थोड़ा आलू फ्राई करते हैं इसे, ये मसाले में लगा के इसका फ्राई किया गया है। ये आलू के छिलके के साथ ही फ्राई किया हमने। यहाँ की फेमस आटा पिन्नी है, जिसको गेहूं के आटे को रोस्ट करके ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के गुड़ के साथ बनाया जाता है। इसमें गोंद जरूर होना चाहिए, उसमें गोंद जरूर होना चाहिए, गोंद इज इसमें भी गोंद है, इसमें भी है, वो क्रंची टेक्सचर आता है। यहाँ तो भयंकर भीड़ है, ये प्रॉपर स्ट्रीट फूड हब लग रहा है। ये है पॉपुलर स्टूडेंट्स एरिया, दिस इज फुल ऑफ चाइनीज आइटम्स। आप देख रहे हैं यहाँ अधिकारी है, काठमांडू है, तो फ्राइड राइस से लेके चिकन फ्राइड मोमोज, वेज मोमोज, स्प्रिंग रोल्स, थुक्का, जैसे मैंने आपको बताया है काफ़ी स्टूडेंट्स हिमाचल वगैरह रीजन से भी हैं, या फिर उनको चेंज ऑफ फ्लेवर भी चाहिए रेदर देन पराठा एंड रेगुलर फूड, वो इस जगह आते हैं। देख रहे हैं अभी भी ये इतनी क्राउडेड है। ये हमारा इंडो चाइनीज जो स्ट्रीट फूड है वो है, मोमो नूडल्स, फ्राइड राइस, मंचूरियन, थुप्पा, थुप्पा यहाँ के थुप्पा हो गया, स्प्रिंग रोल सूप, नॉन वेज सूप, सूप यहाँ का काफी फेमस है, चिकन सूप है, वेज सूप है, वैरायटीज ऑफ सूप है, और सबके पास लगभग मेन्यू सेम ही है, सबके पास सेम चीज है और सबकी दुकानों में भीड़ है, सबकी दुकानों में बहुत बढ़िया। ये प्रॉपर स्ट्रीट फूड हब है सेक्टर 15 का। सेक्टर Thank you.
या तो हमेशा रेती पे भूनते हैं या नमक में भूनते हैं, रेती या नमक दो चीज़ों में भुना जाता है, या फिर वो इनक्लोज ग्लास कंपार्टमेंट के अंदर भूनते रहते हैं पॉपकॉर्न, बटर पॉपकॉर्न, ऐसे कभी देखा नहीं पॉपकॉर्न बनाते हैं क्या बात, जैसे हम माइक्रोवेव में या कुकर में करते हैं तो वो सेम थोड़ा सा बस मॉडिफाइड कुकर आप इसे कह सकते हैं। नीचे में गैस है, ऊपर से पूरा कवर्ड है, जाली है, आग जा रही है, पॉपकॉर्न से और कवर है। ये आपने बनाया है पूरा जुगाड़? बनता है, है? हाँ। मैं पहली बार देखा है। देसी है आपने बनाया क्या बात, अरे वाह क्या बात है, ये आवाज़ से पता चल जाता है कि पक गए। स्वाहा, ये घी पॉपकॉर्न, ऐसे बटर पॉपकॉर्न होता है वैसे आपके पास घी पॉपकॉर्न है, ठीक है। हम लोग घर पे दिवाली के टाइम पे हाँ, ये बुरुंडे ये दाल के लड्डू काफ़ी बनते हैं, और बिहार में आप जाएं तो वहाँ पे तिल के लड्डू बनते हैं मकर संक्रांति के टाइम पे। हाँ। तिल काले तिल के लड्डू, सफ़ेद तिल के लड्डू, लाई 14 तारीख को मकर संक्रांति होगी, संक्रांति यहाँ 13 को लोहड़ी है। अनुभव ये है यहाँ का, अगेन वन ऑफ द पॉपुलर स्ट्रीट फूड जिसे आप कह सकते हैं, सीजनल है, स्वीट पोटैटो शकरकंदी। तो घर में हम तंदूर में सेक के खाते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं इसको खाने के, और यहाँ पे हम ये खाते हैं शकरकंदी की चाट। काफी हेल्दी चीज है, स्पाइसी। ये एक ऐसी डिश है जो विंटर्स के टाइम पे आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेगी, और हर जगह पे अलग तरीके से मिलती है, कहीं पे इसको अमरक के साथ खाया जाता है, कहीं नींबू चाट के साथ खाते हैं। यहाँ पे दो चटनी के साथ इन्होंने सर्व किया है, गुड़ की चटनी और धनिया पुदीने की चटनी, साथ में काला नमक, तो प्रॉपर शकरकंदी की चाट बन गई। खाया? हाँ बोलो, मैं खाता रहूँगा। टेस्टी है। तो इसको पकाते किस पे हैं आप? घर पे बॉईल करके लाते हैं। हाँ। और फिर यहाँ से भूनते हैं। भूनने से मीठी हो जाती है। मीठी हो? पानी है या सूखा पानी? अच्छा, चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा शकरकंदी की चाट। अभी हम चंडीगढ़ सेक्टर 23 की मार्केट में खड़े हैं, जहाँ पे हम कुछ चाट और कुछ चाइनीज़ जो पॉपुलर यहाँ के दो शॉप्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। सामने आप देख सकते हैं चंडीगढ़ के टिपिकल घर, टिपिकल मैं इसलिए कह रही हूँ, यहाँ पे ब्रिक वर्क काफ़ी फेमस है, यू नो विंडो पैनलिंग जो प्यारे जेनरे आर्किटेक्ट यहाँ के रहे हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम यहाँ पे गुजारा है, तो उन्हीं के डिज़ाइन किए हुए घर है, और अपने आप में ये चंडीगढ़ की खूबसूरती को बयां करते हैं। तो जब हम कहते हैं चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल सिर्फ ये अपने रोड्स और डिज़ाइन की वजह से भी नहीं है, बट जिस तरीके से घरों को, बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया गया है, वो भी एक अपने आप में खूबसूरती को ऐड करते हैं। पाव भाजी, टिक्की, गुजिया, पकौड़ी, बल्ला, पापड़ी, मिक्स चाट, खट्टा मीठा पानी, गोलगप्पे, मिक्स चाट प्लेट ले रहे हैं, सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी। ये भी काफ़ी पुरानी दुकान है, 1968 से काफ़ी पुरानी है, 1968। काले चने, आलू, पापड़ी, अदरक, धनिया, ये पकौड़ी और भल्ले। भल्ले हाँ। जो अलग लगा मुझे इस चाट में वो काला चना लगा। अच्छा। ये काला चना डाला है चाट में। यहाँ पे गोलगप्पे में भी आपको आलू काले चने मिलेंगे। जैसे हम गोलगप्पे खाते हैं तो जनरली इट्स स्टफ्ड विद ओनली आलू का मसाला, जी, बट यहाँ पे आलू का मसाला इज ऑलवेज स्टफ्ड विद ब्लैक चने। अच्छा। हाँ। ये आपको ज्यादातर ईस्टर्न साइड में मिलेगा इंडिया के। हाँ, हाँ, हाँ। अगर आप ईस्टर्न इंडिया में जाएं, बंगाल, बिहार, यूपी, इस साइड में,
आपको चाट में काले चने देखेंगे, उसको घुगनी बोलते हैं वहाँ पे वो, और इनफैक्ट वहाँ पे गोलगप्पे का जो मसाला बनता है उसमें आलू और काले चने होंगे। अगर यहाँ पे तो ये काफ़ी यूनिक है, मतलब कि वहाँ का इन्फ्लुएंस यहाँ के खाने में भी है, काफ़ी इन्फ्लुएंस आया है। और इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि ऐसे चाट की जो ओरिजिन है, बहुत लोग कहते हैं दिल्ली से हुई, बहुत लोग कहते हैं यूपी से हुई, सोचता है कि जो चाट बनाने वाले हैं वो यूपी से हों, इससे उन्होंने थोड़ा सा यूपी वाला टच दे दिया इसमें काला चना डालने से। वाह, तो ये असल तरीका है चाट खाने का, बिल्कुल दोनों को चाट गए हम। चंडीगढ़ में ड्राइव करना भी एक एक्सपीरियंस है, मज़ा आता है। हाँ। ऐसी जगहें हो तो ड्राइव करना, वॉक करना, बहुत ही चीज़ों को आसपास देखना। यहाँ चंडीगढ़ में गेड़ी का क्या सीन है? ओहो, तो आपको भी गेड़ी के बारे में पता चल गया जी। क्योंकि गेड़ी के लिए अनुभव पहले तो चाहिए एक कार, एक बड़ी फ्लैशी कार आपके पास होनी चाहिए, राइट लेना। हाँ जी। उसके बाद हॉर्न, टिपिकल गुड हॉन्किंग हॉर्न, और उसके बाद जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो है भाई अपने अच्छे यंग वॉइस, ठीक है, और जो हम रूट कवर करते हैं वो है 7, 8, 9, 10। अच्छा। अगर इस रूट पे आप बड़ी गाड़ी हॉर्न बजाते हुए चलाते हैं फुल म्यूजिक में, देन यू आर यू नो ऑन गेड़ी रूट, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज गेड़ी मारना। मेरे ख्याल से हमें ये ट्राई करना चाहिए खोखा चाय, जो बिल्कुल बेसिक वाली है, कि इनकी स्पेशलिटी पता चल जाएगी। यहाँ का खोखा भी मॉडर्न खोखा है, ये मॉडर्न खोखा है बिल्कुल। बढ़िया चाय, सौंफ इलायची वाली, सौंफ अगेन पंजाब का बहुत डिस्टिंक्टिव फ्लेवर है जो चाय में डाला जाता है, जैसे सब जगह अदरक, काली मिर्च, लौंग, यू नो तुलसी वगैरह डाली जाती है, यहाँ चाय सौंफ की बिना अधूरी है। ये बहुत बढ़िया सौंफ इलायची वाली चाय, इसमें जैसे वो खाता है ना गुड़ और सौंफ, हाँ यहाँ पे खाना खाना मीठा गुड़ सौंफ होता है, तो वैसे ही है चाय भी गुड़ सौंफ वाली है, गुड़ सौंफ और इलायची। यहाँ तो फुल ऑन बॉलीवुड स्टार्स, पॉलिटिशियंस सब आए हुए। मेरा नाम प्रीतपाल सिंह, शॉर्ट में पाल, पाल ढाबा की बाकी स्टोरी पूरी ये लिखी हुई है, लेकिन ये जो आज जो भी आप देख रहे हैं शोरूम, ये मेरे माता पिता की देन है। मेरे माता पिता सेक्टर 22 में बस स्टैंड के पीछे सेक्टर 22 में मंदिर के साथ चाय, पकोड़े, समोसे इस चीज़ की रेडी लगाते थे, वहाँ से आज यहाँ पहुँचे, हमारे माता पिता ने हमें यहाँ पहुँचा। इतने पढ़ा लिखा तो मैं है नहीं जी, मैं अपने पिताजी के साथ ही लग गया था मेहनत करने के लिए, हाथ कुछ हालात ऐसे थे नहीं पढ़ लिख सके, लेकिन अब बच्चों को पढ़ा दिया, बहुत बहुत अच्छी बात है। नॉन वेज में मटन रोगन जोश, राड़ा मटन, कुछ भी। अच्छा, अगर बिल्कुल होम मटन खाना है तो करी मटन आपके लिए रोगन जोश या राड़ा मटन ठीक रहेगा। अच्छा, ये तो मैं देख के बताया कि राड़ा मटन, तो राड़ा मटन करवा दीजिए मेरे लिए एक प्लेट। आप बताएं इसमें क्या क्या डालते हैं राड़ा मीट में? सर बहुत कुछ डालता है इसमें, बताना मुश्किल है। अच्छा, ये क्या क्या डालता है? लेकिन राड़ा मीट होता है इसमें कीमा हो? हाँ, कीमा है सर, कीमे के साथ ही बनता है राड़ा मीट, कीमे के साथ ही बनता है जी, बाकी खड़े मसाले हैं और प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, बिल्कुल ओरिजिनल खाना है जी, घरेलू खाना जिसको बोलते देसी देसी, बिल्कुल ढाबे वाली फील आएगी ना खा के, आप सर खुद बोलेंगे। क्या बात है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सीख मसाला कैसे? सीक्रेट मसाले जी, वो कहते हैं ओम नमः शिवाय जी, जी हाँ हाँ, ये गरम मसाला है, गरम मसाला है, ओम नमः शिवाय, ये आपका प्यार है,
ये पाल ढाबा का प्यार है, जो मक्खन का लास्ट में तड़का दिया और मसाला डाला है कि नहीं। हाँ भैया, स्टार्टिंग में प्याज, चाट मसाला, नींबू आ गया और धनिया की चटनी, वो भी बिल्कुल मोटा पीसा हुआ है। शुरू करते हैं तंदूरी रोटी, राड़ा मटन जिसमें कीमा है, कलेजी है और मटन के पीसेस हैं और बटर और सीक्रेट खूब सारा की गार्निशिंग है, ये खूब सारा डाला गया है। पहले मटन ट्राई करते हैं। अल्टीमेट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया। अब ये ट्राई करते हैं बटर चिकन की ग्रेवी। लेकिन फिर भी अच्छी ग्रेवी है, ये थोड़ी माइल्ड है, थोड़ा सा लगता है मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए इसमें। मटन काफ़ी उम्दा है, हाँ। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सॉफ्ट पीसेस मटन के, मसाला बिल्कुल बैलेंस्ड और जीरा लास्ट में डाला है ऊपर से। आप देखते हैं जीरे का जीरा फिर मसाला ऊपर से डाल रहे थे, लगता है मुझे उसमें गरम मसाला था, उसमें जीरा की मात्रा जा रहा थी। नहीं, पंजाब के अगर चिकन मटन की बात करें तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, मैं सोचता हूँ वहीं कभी कभी, ऐसे हमने मटन बहुत जगह ट्राई किया है, आता है कि नहीं मक्खन में बना हुआ होगा या देसी घी में बना होगा, ग्रेवी काफ़ी रिच होगी, ऑयल भी उसमें होना चाहिए, रोगन भी हो उसमें, मसाले भी हो, मसालेदार चटपटा भी बने, वो सारी चीज़ें इस मटन में हैं। तो वही प्रॉपर ये पंजाबी ढाबे को रिप्रेजेंट करता है ये मटन कीमा, या राड़ा मटन बोलें इसको, या कीमा मटन बोलें, कीमा मटन कलेजी भी बोल सकते हैं, उस पर रिप्रेजेंट करता है। और ये ऐसी डिश है आपको सिर्फ तंदूरी रोटी के साथ ही अच्छी लगेगी। इसके साथ ना आपको बटर रोटी चाहिए या और किसी भी तरह का कुछ भी, ना पराठा ना चावल कुछ चाहिए, प्लेन तंदूरी रोटी जी, करारी रोटी हो, हाँ। साथ में आप जब उठाएं मटन का पीस, साथ में कीमा भी मिले खाने को, मटन का पीस भी आए, जो लटपट ग्रेवी वो भी साथ में आए, और प्रीतम जी का बहुत सारा प्यार है, हाँ जी, जो बटर और मसाला उन्होंने डाला है ऊपर से वो है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल रस्टिक फ्लेवर, बहुत टेस्टी, साथ पे इसने प्यार से आपने बनाया, लास्ट में जो आपने थोड़ा अपना प्यार भी डाला इसमें, मक्खन प्यार डालना मेरा काम है, वो इसका फ्लेवर इसका और दुगना हो गया। प्यार डालना सर मेरा काम है, फूड में प्यार नहीं तो फूड का फायदा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही, मतलब खिलाने वालों का भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खाने वाले से, कि कितने किस इंटेंशन से खाना बना रहा है, कैसे अपने कस्टमर को सर्व कर रहा है, कैसे डिश बनाई जा रही है। बड़े प्यार से आपको खिलाता हूँ, ऐसे ये प्यार हमारा था, ये मैडम जी आइए, बहुत बढ़िया, ये बड़े प्यार से मैं आपने हाथ से खिलाऊंगा आपको, थैंक यू मैम। अरे सर धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, हमारे वो भाग आप हमें इस काबिल समझे आप, थैंक यू, और थैंक यू ये गुड़ के लड्डू के लिए। अभी हम सेक्टर 8 की मार्केट में है चंडीगढ़ में, और जैसे कि आपने देखा यहाँ काफ़ी सारे फूड जॉइंट्स हैं, ट्रेडिशनल फूड्स जैसे कबाब्स हैं, टिक्काज हैं, चाप है, बिरयानी है, इससे लेके मॉडर्न ट्विस्ट के साथ भी काफ़ी आइटम्स अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे रोल्स अवेलेबल हैं अगर आप इटालियन खाना चाहते हैं, किसी चीज़ में कुछ मिक्सड आपका स्वीट में टेस्ट है तो बहुत सारी बेकरीज भी हैं, सूप शॉप्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये एक 8th सेक्टर एक इमर्ज हुआ है एज ए न्यू फूड मार्केट ऑफ चंडीगढ़, जिसमें नए नए कैफेज रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं
एक आपको रेगुलर टिक्का काठी रोल्स ये भी मिलेंगे, दूसरी तरफ से आपको मॉडिफाइड फूड भी यहाँ काफ़ी मिलेगा। मतलब यहाँ पे सभी चीज़ें, सभी चीज़ें बिरयानी से लेकर कॉन्फेक्शनरी बेकरी सारी चीज़ें सभी कुछ अवेलेबल। और हम जब कहते हैं चंडीगढ़ में अगर बात की जाए स्ट्रीट फूड की, जो मुझे लग रहा है मैं मॉर्निंग से आपके साथ में हूँ, तो ऐसे जितने भी सेक्टर्स में गए सब एक ही तरह लग रहा है देखने में। और स्ट्रीट फूड ऐसा नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन ना ये शॉप्स बनी हुई है तो स्ट्रीट फूड भी उनके पास है, जो हम लोग स्ट्रीट्स में खाते हैं वो शॉप से मिल रहा है। शॉप्स में आपको हाइजीनिकली तरीके से इट गिव्स यू मॉडर्न फीलिंग इटसेल्फ कि हाँ तो हम वही बिरयानी रहे हैं बट किसी अनइंस्टॉल्ड जगह पे नहीं, प्रॉपर इंस्टॉल्ड जगह पे होके खा रहे हैं। तो मतलब ये है कि मॉडर्न स्ट्रीट फूड है, ये मॉडर्न स्ट्रीट फूड हब है, एक हैपनिंग सी जगह है। हाँ जी, सूप। प्रॉपर चिकन चंक्स भी है, ये प्रॉपर ऑथेंटिक शोरबा है, ऑथेंटिक शोरबा, इसमें कोई स्टार्च वगैरह नहीं मिलाया है। तो यहाँ ट्राई करेंगे सोया प्योर वेज सोया चैम्प, लिखा हुआ है चैम्प, गार्लिक चैम्प, अफगानी चैम्प, मलाई चैम्प, मसाला चैम्प, अचारी चैम्प, हरियाली चैम्प, वोकैबुलरी की गड़बड़ हो गई है बट इट इज सोया चाप, चाप, सोया चाप, सोया चाप है। चाप की ऐसी प्रिपरेशन देखी नहीं है मैंने, इसको तड़का लगा के तड़का लगा हुआ, तड़के वाली चाप है ये हाँ, जो यूजुअली बहुत कम देखने को मिलती है। वाह, ये तो अच्छे से मसाले में लिपटी हुई है, पहले ऐसे ही ट्राई करते हैं इसको। बहुत बढ़िया, क्योंकि चाप का अपने आप में कोई टेस्ट नहीं होता है, उसको बस रोस्ट करके क्रीम के साथ मिला दिया जाता है, बट जो इन्होंने एक जिंजर गार्लिक का बटर में तड़का दिया है उससे सारे स्पाइसेस अंदर तक चले गए, सो यू कैन सी इट हाउ टेस्टफुली इट लुक्स। भैया बहुत अलग है और बहुत वाकई में अच्छी है। नायडू साउथ इंडियन फूड, हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया आप जो चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली है, ये अपने आप में एक ट्राई सिटी है, तो अलग अलग लोग आके बसे हुए हैं, उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी को इवॉल्व किया है, तो उसी तरह से एक साउथ इंडियन अगर हम एक कम्युनिटी या फूड की बात करें तो ये एक इंडिया की लेंथ एंड ब्रेथ में डोसा बसा हुआ है, और एक ये पॉपुलर स्ट्रीट फूड स्नैक जो भी आप कहना चाहें कह लें, और पंचकुला में ये एक स्पेशलिटी है दैट अगर आप बिल्कुल ऑथेंटिक घर के जैसा आपको साउथ इंडियन खाने का मन है तो आप यहाँ ज़रूर आए। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल फ्रेश, क्रिस्प, फ्लफी। मॉर्निंग से बहुत जगहों पे गए हम, अगर फूड कल्चर की बात करें तो काफ़ी मिक्स्ड है, मतलब कोई एक चंडीगढ़ की अपने खुद की एक फूड की कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो लोग बाहर से आए बसे या फिर पंजाबी हरियाणवी जो भी लोग बाहर के लोग रहे बसे यहाँ आके उनका खाना है ये, तो यहाँ पर अमृतसरी कुलचा भी मिल रहा है, यहाँ सोया चाप भी है, या चिकन मटन के आइटम्स भी हैं वो भी पंजाबी स्टाइल में, उसके बाद साउथ इंडियन फूड भी है और बाकी जो नॉर्थ इंडियन चाइनीज भी है, हाँ, चाट भी मिल जाता है, चाट भी मिल जाएगी, तो सारी मिक्स है। बिल्कुल।
चंडीगढ़ में फूड टूर करते करते हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स मिल गए हमें, तो आप हमारी वीडियोस देखते हैं, सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी आपको हमारी? आपकी वाराणसी वाली सीरीज बहुत अच्छी लगी। वो सबसे मतलब मेरे दिल के करीब सबसे जो है वो वाराणसी की है, उसका जम्मू कश्मीर में खुद के बहुत पर्सनल अच्छी वीडियो है। धन्यवाद। ये आप सही कह रहे हो, बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर तक इसको बिल्कुल सही से फ्राई किया हुआ है। बस है, बस पनीर पूरा टेस्ट कीजिए, हमारी चटनी स्पेशल। ये कैसी चटनी बनाते हैं आप, टेस्ट कीजिए। क्या चटनी टेस्ट करते हैं? बहुत ही बढ़िया, आपके रिकमेंडेशन आपने दिया कि नहीं नहीं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारा? तो आवर मैं खाने होते स्पेशली हम लोग यहीं पे आते हैं। मैं बताऊं, मेरे को पर्सनली टिक्की, सादी टिक्की चटनी अलग से बस मतलब इतनी टॉपिंग के साथ, यहाँ पर दही टमाटर चुकंदर अदरक पनीर प्रॉपर टिक्की चाट बन गई है। पनीर बहुत ही फ्रेश है, बिल्कुल सॉफ्ट पनीर और ऊपर से क्रंची। अच्छा ये ऊपर में क्या लगाया हुआ आपने? बेसन, बेसन लगा के फ्राई किया, इतना पतला बेसन लगा के फ्राई किया, बहुत ही बढ़िया। ये चटनी किसी की बनी हुई है? सीक्रेट, सीक्रेट नहीं, रेसिपी से। देखो मंगरेला और सॉफ्ट तो दिख रहा है, प्याज दिख रहा है, बाकी चटनी है किसी की? चीनी भी है इसमें नहीं है? शहद, शहद की चटनी है, चीनी डाला हुआ ही नहीं है इसमें नहीं। फूड ऐसी चीज़ें लोगों को कनेक्ट करती है। आपको देखा सारे साथ मेरा बेटा मामा। हम लोग जा रहे थे, आप मिल गए, टिक्की ट्राई कर ली, भाई साहब ने पनीर पकौड़ा ले आए और आपके पाव भाजी भी ट्राई कर ली। जलेबी भी इनकी काफ़ी क्रिस्पी होती है, मतलब इट्स नॉट अ वेरी यूजुअल जलेबी। धीरे धीरे सारा देर तक आपको पतली होती है, धीरे धीरे पूरा मेन्यू ट्राई ना कर ले। चाहिए होता है वो इनकी। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ ये इनफैक्ट बेस्ट चीज़ हमने ट्राई की है। हाँ। ये बहुत ही अच्छा है, इतनी पतली कवरिंग बेसन की और पनीर इतना सॉफ्ट और फ्रेश है। हाँ। बहुत फ्रेश है। बहुत ही बढ़िया सर, मज़ा आ गया। यहाँ इसे गाजर का हलवा नहीं कहा जाता, गजरेला कहा जाता है। हाँ। और इसी के साथ हम अपना चंडीगढ़ का फूड टूर एंड कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर अभिता, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, काफ़ी मल्टी कल्चरल फूड टूर था ये, और जो चीज़ें रह गई हैं उसके लिए हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। और जो हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी का एरिया रह गया है, जो हिडन जेम्स का जो टूर है, वो हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। भारत के फर्स्ट प्लान सिटी, हरियाणा और पंजाब की राजधानी और केंद्रीय शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। अभी हम डॉक्टर कविता खवास, केंद्रीय शासित थोड़ा हैवी हो गया क्या? आओ, तुम भी आओ। आपके कैमरे को तो नहीं खिला रहे हैं। देख रहे हैं आप इनकी जलेबी ट्राई की? जलेबी बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही पतली और वो भी पूरी क्रिस्पी। हल्दीराम भी भूजा। हल्दीराम तो मैं सही बोला हूँ मैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग जलेबी खाते हैं शौक से, कभी जलेबी में हल्का सा नमक छिड़कना और नमक डाले खाना, जलेबी बहुत टेस्टी लगती है। ये मैंने भी पिछले मतलब 5-6 महीने पहले एक बार ट्राई किया था, उसके बाद से मैं इतना फ़ैन हो गया हूँ, जब मैं खुद पर्सनली जलेबी खाता हूँ ऑफ द कैमरा तो मैं इसमें नमक डाले खाता हूँ, उससे क्या होता है मिठास भी कट जाती है और एक सॉल्टेड कैरेमल टेस्ट जो होता है वो आता है इसमें।